मुसलमान किसे कहते हैं? दीन इस्लाम की पैरवी करने वाले को मुसलमान कहते हैं। आपके मजहब का नाम क्या है? इस्लाम। इस्लाम की मीनिंग क्या है? फरमावदार यानी अल्लाह ताला की इताअत में सिर झुकाना। अरकान इस्लाम कितने हैं? पाँच। नाम बताएं। कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। सारी कायनात का मालिक कौन है? सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है। हम सब किसके बंदे हैं? हम सब अल्लाह ताला के बंदे हैं। हम सबको किसकी इबादत करनी चाहिए? हम सबको अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। हमारे नबी का प्यारा नाम क्या है? हमारे नबी का प्यारा नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम सब किस नबी की उम्मती हैं? हम सब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल 517 ईस्वी मंडे के दिन सुबह 7 के वक्त मक्का शरीफ में पैदा हुए। हमारे नबी पर कौन सी किताब नाजिल हुई? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ किसकी किताब है? कुरान शरीफ अल्लाह ताला की किताब है। कुरान शरीफ में कितने पारे हैं? 30। कुरान शरीफ में कितनी सूरतें हैं? 114। कुरान शरीफ में कितने सजदे हैं? 14। सबसे पहली सूरह का नाम बताएं। सूरह इकरा। कहाँ नाजिल हुई? गौरे हिरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में कितने साल थे? 53 ईयर। मदीना शरीफ में कितने साल थे? 10 ईयर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जारी जिंदगी कितने साल की थी? 63 ईयर। चार आसमानी किताबों के नाम बताएं। तौरे शरीफ, ज़बूर शरीफ, इंजील शरीफ, कुरान शरीफ। तौरे शरीफ किस नबी पर नाजिल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ज़बूर शरीफ किस नबी पर नाजिल हुई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। इंजील शरीफ किस नबी पर नाजिल हुई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। कुरान शरीफ किस नबी पर नाजिल हुई? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। चार बड़े फरिश्तों के नाम बताएं। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्राफ़ील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। चार खलीफा के नाम बताएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस कायनात का निज़ाम किसके हुक्म से चल रहा है? इस कायनात का निज़ाम अल्लाह ताला के हुक्म से चल रहा है। अल्लाह ताला कब से और कब तक रहेगा? अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। दिन और रात किसने बनाया? दिन और रात अल्लाह ताला ने बनाया।